हेलो गाइस, वेलकम टू कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट मैगजीन। माय नेम इज़ नवप्रीत सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एयरपोर्ट के ऊपर जब आप लैंड कर जाओगे तो फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो और व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज डू यू वॉन्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहला, जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हो तो फिर आपको कोई एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। जैसे ही आपका प्लेन लैंड होगा तो उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेज के ऊपर ले जाया जाएगा और वो होती है प्री स्क्रीनिंग। तो प्री स्क्रीनिंग के ऊपर आपको एक ऑफिसर मिलेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर कह सकते हैं हमने, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि क्या आप वाकई में यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आए हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो आपसे पूछा जाएगा या आपसे मांगा जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर या फिर ऑथराइजेशन लेटर भी बोल देती है उसे। और ये यूजली आता है जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाता है उसके बाद, आपकी जिसमें लिखा होता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो सबसे पहले वही लेटर आपसे पूछा जाएगा या मांगा जाएगा। सेकंड जो चीज़ आपसे मांगी जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी योर ओरिजिनल पासपोर्ट जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होगी वीज़ा की, तो मेक श्योर टू कैरी विद योर सेल्फ। और आपकी वहाँ पर कोई भी पासपोर्ट की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, सो मेक श्योर टू हैव योर ओरिजिनल पासपोर्ट विद योर सेल्फ। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट है जो चाहिए होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर LOA और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या आपका DLI आपको देता है, और वो बस यही स्पेसिफाई करता है कि आप उस कॉलेज में एक्सेप्टेड हो एंड यू आर गोइंग एज अ स्टूडेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है आपका मेडिकल एग्जाम शीट, एंड समटाइम्स वो आपसे मांग ली जाती है, तो मेक श्योर टू कैरी योर मेडिकल शीट। जब भी हमने वीज़ा अप्लाई किया होता है तो एक हम मेडिकल करवाते हैं, तो उसके साथ जो आपको शीट दी जाती है फ्रॉम द डॉक्टर, तो वो आपको अपने साथ रखनी होगी। मेक श्योर टू हैव वन और टू कॉपीज ऑफ दैट विद योर सेल्फ। फिफ्थ चीज़ होगी आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, इसमें आपका GIC का सर्टिफिकेट भी हो सकता है और आपके जो इंडियन अकाउंट में बैलेंस होगा वो भी हो सकता है, सो यू हैव टू शो ईदर वन ऑफ दोज। ठीक है, कई बार आपसे GIC सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली मांग लिया जाता है, कई बार आपको कह दिया जाता है कि आप अपने इंडियन अकाउंट में कितनी अमाउंट है वो चेक करवाइए, सो मेक श्योर टू हैव बैंकिंग एप्स रेडी। इफ़ यू डू नॉट डू ऑनलाइन बैंकिंग, आई वुड रिकमेंड टू डू सो, ताकि आपको इमीडिएटली दिखा सको कि आपके अकाउंट में इतने बैलेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ डॉक्यूमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर अराइव कैन रिसीट। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करने से 72 आवर्स पहले या कनाडा रीच होने के 72 आवर्स पहले आपको अराइव कैन भरना होता है, एंड वो भरते ही आपको एक रिसीट जनरेट होगी और वो जो रिसीट है उसी बेसिस के ऊपर ही आपको कनाडा में एंट्री मिलेगी। इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, तो मेक श्योर कि आप अपना अराइव कैन चलने से पहले, कनाडा 72 आवर्स पहुंचने से पहले आप उसे फिल आउट कर दो, वो आपका डिजिटल कॉपी भी चल जाएगी। नेक्स्ट इज योर प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, वो भी कई बार मांग लिया जाता है, सो मेक श्योर हैव इट ऑन योर फोन एज वेल एज इन अ प्रिंटेड कॉपी, तो वो आपकी हर जगह ही दिख जाएगी कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, सो मेक श्योर टू कीप इट हैंडी। और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो आपके स्टडी के रिलेटेड कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद आपको एक कियोस्क के पास भेज दिया जाएगा। कियोस्क यानी वो एक छोटा सा लाइक स्टेशन होगा जहाँ पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम वगैरह वगैरह चीज़ें पूछते हैं, एंड एक और स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है कि नंबर ऑफ डेज यू वांट टू स्टे इन कनाडा। तो जितने टाइम का आपका कोर्स है उतने नंबर ऑफ डेज आप उसमें फिल आउट कर सकते हो, और जब आपने एवरीथिंग फिल कर दिया तो फिर एक रसीट जनरेट होगी, तो वो आपको रसीट ले लेनी है। उसके बाद यू कैन गो गेट योर बैग्स, तो वो बैग्स लेने के बाद आप जाओगे इमिग्रेशन की ओर। तो इमिग्रेशन पर जब आप जाओगे तो आपको अपना ऑथराइजेशन लेटर देना होगा, एक जो उस कियोस्क से रसीट निकलेगी वो देनी होगी, एंड आपको अपना पासपोर्ट देना होगा एंड LOA। ये चार डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपके इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे लेगा, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुलाकर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है, आप कहाँ जाने वाले हो, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्टडी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इन फ्यूचर व्हाट आर योर प्लान्स, तो घबराना नहीं है,
उसके आंसर्स जो होंगे वो आपने प्रॉपरली देने हैं. सो डोंट बी नर्वस इन दैट पीरियड. तो मुझसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड दैट्स इट, और मुझे मेरा स्टडी परमिट दे दिया गया था. एक चीज़ का ख्याल रखना कि इस स्टडी परमिट के प्रोसेस में जब आप बैग लेते हो उसके बाद आप स्टडी परमिट लेने इमिग्रेशन के पास जाते हो तो उसमें आपके 2-3 घंटे लग सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वेटिंग. और टोरंटो साइड और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है. जब आपको अपना स्टडी परमिट मिल जाएगा देन यू कैन गो अहेड एंड लीव द एयरपोर्ट. उससे पहले कई बार कई स्टूडेंट्स को साइट पर बुला लिया जाता है फॉर द रैंडम कोविड टेस्टिंग. तो अगर जिनको भी बुलाया गया तो उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा. उसमें हार्डली लाइक 5-10 मिनट्स लगेंगे और उसके बाद यू कैन लीव द एयरपोर्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन कैनेडा. सो ये था वीडियो सारा. इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. अगर आपके कोई व्यूज़ हैं कोई कमेंट्स हैं सो मेक श्योर टू पुट इट इन कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो दिस इज़ नवप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम कैनेडा इंटरनेशनल स्टूडेंट मैगजीन.